नमस्कार, मी रश्मि शंखनाद न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे। ब्राह्मण समाजाच्या विद्यार्थ्यांना छात्रवृत्ती लागू करा या प्रमुख मागणीला घेऊन आज ब्राह्मण सेनेच्या वतीने शहराच्या संविधान चौक येथे आंदोलन करण्यात आले। बाकी समाजातील विद्यार्थ्यांसारखं ब्राह्मण समाजाच्या मुलांना देखील शिक्षण छात्रवृत्ती प्रदान करण्यात यावी या मागणीला घेऊन हे आंदोलन करण्यात आले। ब्राह्मण सेना की कार्याध्यक्ष रानू प्रदीप त्रिवेदी, जैसे कि सरकार हर बार बात करती है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, आप बताइए कि ब्राह्मण की बेटियां कहाँ जाएंगी? इतना सारा फीस, इतना कॉलेज में जाओ तो वहाँ पर लाइन, हर जगह पर एक स्पेशल कोटेशन बनाकर रखा है इन लोगों ने कि ब्राह्मण के बच्चे यहाँ जाएंगे। ओपन कैटेगरी का नाम लिखते से ही आपके पेन से आपके पेपर्स के ऊपर ये लोग पूरी फीस लिख देते हैं। क्यों? अगर हमारे घरों में अगर कोई चीज़ नहीं हो पा रही है, हमारे घर में पैसों की कमी, कोई भी चीज़ की तंगी, ब्राह्मणों के बच्चों को इन लोगों ने छात्रवृत्ति का अधिकार देना चाहिए, लड़कियों को, लड़कों को, और हर उस गरीब ब्राह्मण को जो इसको डिजर्व करते हैं उन लोगों को ऐसा देना चाहिए। मैं सरकार से यही विनती करती हूँ कि आप सभी लोग इस चीज़ पर ध्यान दें और बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, शिक्षा और इतनी बड़ी संविधान की बातें करने पर इस चीज़ को अगर आप अमल नहीं कर सकते हैं और आप समानता नहीं दे सकते हैं तो यह सब आप लोगों का जो आप फैला रहे हैं ये सब गलत है। हम लोग ब्राह्मण सेना की तरफ से और समस्त बच्चों की तरफ से हमारे यहाँ के आप लोगों से विनती कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। आप हिंदुओं की बात करते हैं और हिंदू पढ़ नहीं पा रहे, आप हिंदुओं की बात करते हिंदू आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हर बच्चा, आज हमारे पुजारियों का बच्चे बोलो, आप हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स और यहाँ वहाँ जो छोटी मोटी नौकरियाँ करते इनके बच्चे पढ़ नहीं पाते। ओपन कैटेगरी के होने की वजह से इनको एडमिशन्स नहीं मिल पाते, इतनी सारी फीस होने की वजह से लोग भर नहीं पाते। आज दूसरे ही जातियों की अगर हम लोग बात करें, इनके घर में संपूर्ण चीज़ें होने के बाद भी सिर्फ इनकी कैटेगरी लिखने की वजह से इन लोगों को पूरे अधिकार और पूरी फीस मिल रही है। ये गवर्नमेंट गलत कर रही है और हमारे बच्चे जो अशिक्षित रह जा रहे हैं या जो पढ़ने की नहीं सोच रहे सिर्फ महाराष्ट्र सरकार की वजह से और इंडिया सरकार की वजह से ये लोग जो सब फैला रहे हैं ये गलत है। आप अगर जाति भेद नहीं चाहते हैं तो सबसे पहले छात्रों का अधिकार दें उनकी जाति से अलग करके, और ये इतनी बड़ी संविधान की बात है, छात्रवृत्ति, सभी को समानता, तो पहले तो हम ही लोग गरीब है, हम ही लोगों को करवा दीजिए, बस यही विनती करते हैं। धन्यवाद। देशातील सरकार हिंदू राष्ट्र निर्मितीचं स्वप्न बघत असताना देशातील ब्राह्मण समाजावर होत असलेल्या अन्याय आता ब्राह्मण समाज सहन करणार नाही। येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये भाजपच्या सरकारला त्यांची जागा दाखवून दिली जाईल अशी प्रतिक्रिया देखील ब्राह्मण समाज बांधवांनी व्यक्त केली। की शिक्षा है जीवन का सार, छात्रवृत्ति का मिले हमको भी अधिकार। आप हमेशा देखिए कि ब्राह्मण हमेशा सहिष्णु रहा है, ब्राह्मण हमेशा सहिष्णु रहा है, ब्राह्मण हमेशा सहता आया कि यदि ब्राह्मण सहिष्णु ना होता तो इन पर गोलियां ना चली होती, यदि ब्राह्मण सहिष्णु ना होता तो इन संसद के कलियारे में भगवा आतंकी ना कहता, यदि ब्राह्मण सहिष्णु ना होता तो हिंदू बदनाम नहीं होते, यदि ब्राह्मण सहिष्णु ना होता तो तंबू में राम नहीं होते। ब्राह्मण हमेशा सहता आया है, ब्राह्मण अब आगे नहीं सहेगा। मेरी माननीय प्रधान जी से ये विनती है कि हम ब्राह्मणों को भी शिक्षा का आधा, हमको भी पूरा हक है, छात्रवृत्ति का हमको भी अधिकार देना चाहिए। सिर्फ मेरी इतनी गुजारिश है, धन्यवाद। इसके पीछे की वजह यह है कि ब्राह्मण समाज के जो बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति पाने बहुत दिक्कत जाती है। ईडब्ल्यूएस के अंदर में जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरा करना असंभव सी बात है। जब ब्राह्मणों को टैक्सेशन एक जैसा लगा, हर चीज़ एक जैसा लगा हुआ है, तो छात्रवृत्ति भी हमको एक समान मानना चाहिए। हम चाह रहे हैं ब्राह्मण समाज की तरफ से, ब्राह्मण सेना, कि सभी बच्चों को, छात्रों को स्कूल से लेकर कॉलेज तक के 100% छात्रवृत्ति मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया है। आज बच्चों के द्वारा आंदोलन इसलिए किया है, हाथ में डमरू दिया हुआ है, ये शिव तांडव का संकेत है। डमरू बजाकर हम लोग संकेत देना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, शिक्षा केंद्रीय मंत्री को, कि संविधान के अंदर में जो प्रोसेस किया हुआ है कि सभी को, छात्रों को एक जैसा अधिकार शिक्षा का मिलना चाहिए, उस चीज़ को छोड़ करके कुछ जातियों को पूरा सब्सिडीज मिल रहा है, छात्रवृत्ति मिल रहा है, लेकिन ब्राह्मण समाज को बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने आज बच्चों के द्वारा, बड़ों के द्वारा आंदोलन किया है। हमारे आंदोलन में महिलाएं भी है, वरिष्ठ महिलाएं भी है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ऐसे बच्चे हैं जिनको एक समय का भोजन मिलता है, एक समय का भोजन उनके पिता को जुटाना बहुत मुश्किल हो गया है। 8-9 हज़ार रुपये महीना कमाता है पंडित जी पूजा पाठ करके या सिक्योरिटी गार्ड बन करके। 8-9 हज़ार के अंदर अगर 4000 स्कूल की फीस भरेगा तो क्या खाएगा और क्या बिजली जलाएगा वो। इस सांकेतिक आंदोलन से हम सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को, ब्राह्मणों के बच्चों को भी छात्रवृत्ति पूरी मिलना चाहिए 100%। भारत देश ही एक ऐसा देश है जहाँ पे जाति पात का कॉलम है, बाकी किसी भी देश में वर्ल्ड के जातिपात का कॉलम नहीं है, तो ये कॉलम को हटाओ। हम उच्च जाति के हैं, किससे उच्च है हम? अगर हम माइनॉरिटी में हम लोग आए हुए हैं, पूरे भारत के अंदर 4% 3% के ऊपर में ब्राह्मण नहीं है, तो अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है? हम अल्प से भी नीचे होगा ना। तो हम लोग हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, डमरू बजाकर निवेदन करते हैं, सरकार की तरफ इशारा करते हैं कि छात्रवृत्ति मिलना चाहिए। लगातार हम लोग कई वर्षों से छात्रवृत्ति आंदोलन चला रहे हैं, जैसे कि हमारी जितनी ब्रांचेज है भारत के अंदर में, वह मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और अभी हम महाराष्ट्र में, सभी जगह से हम निवेदन कर रहे हैं मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को भारत के, कि ब्राह्मणों को भी छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस का कॉलम जो डाला हुआ है उसमें सरकार ने 8 लाख रुपये का स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 8 लाख से जिनकी इनकम नीचे है उनको छात्रवृत्ति दी जाए, लेकिन हमारे ब्राह्मण जो है, पुजारी जो है, उनकी इनकम 1 लाख से ऊपर नहीं जा रही है। हमारा ये बोलना है कि सरकार ने किस हिसाब से 8 लाख रुपये डाला हुआ है। अगर 8 लाख रुपये डाले और उसमें कॉलम ये भी है कि उसमें डॉक्यूमेंट इतने सारे हैं कि वो छात्रवृत्ति बच्चों को मिलती नहीं है, इस कारण से हमारे जो छात्र हैं उनको 10% का आरक्षण दिया हुआ है, उसमें 50% की फीस है, तो 50% कहाँ से लाएंगे हमारा ब्राह्मण, जिसके पास 1 लाख रुपये की साधन आए हैं, वो 60,000 की फीस को आधा करके कैसे भरेगा? ये सवाल हमारा सरकार से है और इसमें हम आंदोलन कर रहे हैं इसीलिए कि हमारे छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। और आगे हमने जिलाधिकारी को भी इसका पत्र दिया हुआ है और शिक्षा विभाग को भी हमने इसका दिया हुआ है पत्र कि हमको इसमें छात्रवृत्ति का सुविधा हमारे बच्चों को दी जाए, और अगर ये छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो आगे हम इसमें तीव्र आंदोलन करेंगे और हम दिल्ली तक ये आवाज़ लेके जाएंगे। मांगों को दरकिनार करने का कारण यही है कि हमारी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ वोट बैंक देखती है। आज ब्राह्मण अगर 6% और 8% महाराष्ट्र राज्य के अंदर में है और बाकी समाज जो है वो ज़्यादा की तादाद में है, तो वो समाज की राजनीति है, या आप इसको पॉलिटिकल लोगों का एक चलने का तरीका बोल सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियां आगे आने देना नहीं चाहती ब्राह्मण समाज को। राजनीतिक पार्टियों का काम यही है कि उन्हें सभी को समान अधिकार दिलाना चाहिए। संविधान बोलता है कि सभी को शिक्षा का समान अधिकार है, फिर राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए सिर्फ ब्राह्मण समाज को नीचे कर रही है बार बार और बाकी समाज को ऊपर लेके जा रही है। लेकिन हमारा ये बोलना है कि राजनीतिक पार्टियों ने ये करना चाहिए, वोट बैंक के लिए आपने मराठा आरक्षण दिया, आपने ये आरक्षण दिया, आपने वो आरक्षण सभी को दिया, तो हमने क्या बिगाड़ा है? ब्राह्मण समाज ने किसका क्या बिगाड़ा कि हमारे छात्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, या हमारे छात्रों ने पढ़ना लिखना चाहिए, चोरी छमारी गुंडागर्दी करना चाहिए? हमारा ये सवाल सरकार से है कि इसके ऊपर में उन्हें जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। तो आने वाले समय में 2024 में इलेक्शन है, इलेक्शन का जवाब ब्राह्मण समाज देगा, चाहे महाराष्ट्र राज्य में हो चाहे पूरे भारत में हो।